कनाडा के पार्लियामेंट में 2 मिनट का साइलेंस रखा गया आज किसके लिए? हरदीप सिंह निजार के लिए. निजार द मोस्ट prestigious citizen of Canada. Following discussions among representatives of all parties in the House, I understand that there is an agreement to observe a moment of silence in memory of Hardeep Singh Nijjar, assassinated in Surrey, British Columbia, 1 year ago today. पहले ये इल्जाम कनाडा ने लगाया, फिर यूएसए ने भी लगाया, और यूके में भी ये इल्जाम लग चुका है, और पाकिस्तान तो कब से इल्जाम लगा रहा है. इन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा कि ये जो भी चीजें कर रहे हैं इससे भारत का जो एक इंटरनेशनल वैल्यू है वो स्ट्रेंथन होती है. बाज हिंदुस्तानी ज़राए ब्लॉक ने इसको मुसाद स्टाइल, जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी के ऑपरेशंस हैं, उसके साथ भी उन्होंने कंपेयर किया. इरॉक का ये विंग जो है वो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कंट्रोल होता है. एब्सोल्युटली, वो तो खैर देखिए वो सिर्फ पाकिस्तान ही है जहाँ हमारा टॉप एजेंसी जो है वो प्राइम मिनिस्टर इंडिपेंडेंट है. वो इंडिपेंडेंट, अच्छा ये तो अच्छी बात है ना. मगर वहाँ जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ही कंट्रोल कर. मोदी जी तो एक्शन ले रहे हैं, ठोक रहे हैं बंदे, बंदे गिर रहे हैं मक्खी मच्छरों की तरह. वैसे भी पाकिस्तान में एक ब्रिगेडियर क्या हो गया, रो रो के परेशान हो रखे हैं. इंडियन इंटेलिजेंस ऑपरेट कर रही है फ्रॉम दुबई एंड फ्रॉम मॉरिशस एंड फ्रॉम नेपाल एटसेट्रा. वहां से भी इनके सेफ हाउसेस हैं जहां से ये लोग ऑपरेशंस कंडक्ट करते हैं. इस किस्म की ऐसी चीजें भारत ने पहले करी नहीं है जहां पर आप इस तरह की एक्शंस खेल रहे हो. सो दिस इज अ न्यू डोमेन फॉर इंडिया एज वेल एंड इट्स अ वेलकम स्टेप. कैनेडियन सरकार जिस ढंग से उस कत्ल की एक साल की बरसी कैनेडियन पार्लियामेंट में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड लेकर खामोशी एक मिनट की सूरत में कर रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा वाकया है. क्योंकि बदकिस्मती से किसी भी समाज की तरह कनाडा में भी क्राइम्स होते रहते हैं, यहाँ पे भी मर्डर होते रहते हैं, और किसी मर्डर पे इस तरह का कैनेडियन पार्लियामेंट ने सल्यूट पेश नहीं किया. क्योंकि अभी तक ये जो मर्डर है ये एक मर्डर है. अभी भी कैनेडियन सरकार को इस मर्डर के हवाले से साबित करना है, जैसा कि वो ये कहते हैं कि भारतीय सरकार इसके पीछे है. मेरा ज़ाती तौर पर तबसरा ये है कि अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि कोई फॉरेन इंटरफेरेंस इसके पीछे भी है, तो जिस तरह से कैनेडियन पार्लियामेंट में ये एक मिनट का साइलेंस हुआ है, इसके पॉलिटिकल कारण क्या है? क्या वोट बैंक्स की पॉलिटिक्स है? क्या तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर वो एलिमेंट्स मौजूद हैं जो खालिस्तानी सिंपथाइजर्स हैं और जो खालिस्तानी इश्यूज पे बातचीत करते रहते हैं? इसमें कोई शक वाली बात नहीं. लिबरल पार्टी हो जो इस वक्त सरकार में है, कंजर्वेटिव पार्टी हो, एनडीपी पार्टी हो, ये तीनों बड़ी नेशनल पार्टियां अपने अंदर खालिस्तानी सिंपथाइजर रखते हैं. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के मामले में मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, अगर कोई खालिस्तान की बात करता है तो वो कर सकता है, मगर कोई भी वायलेंस की या ग्लोरिफिकेशन ऑफ टेररिज्म की बात नहीं कर सकता और नहीं करनी चाहिए और उसको नहीं इजाजत मिलनी चाहिए. मगर बदकिस्मती से ग्लोरिफिकेशन ऑफ टेररिज्म, ग्लोरिफिकेशन ऑफ एक्सट्रीमिज्म और ग्लोरिफिकेशन ऑफ वायलेंस इस मूवमेंट के साथ वाज़े तौर पर जुड़ी हुई है और हमें डे एंड नाइट नजर आती है.